केमिस्ट्री चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्कलाइड के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करना, द वे ऑफ अप्रोचिंग क्वेश्चन, किस तरीके से ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं और क्या क्या हमारी थॉट प्रोसेस होना चाहिए जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, अगर आपने कुछ रिवाइज नहीं है स्टिल यू कैन वॉच दिस वीडियोज़, बिकॉज यहाँ पर मैं हर एक के पीछे जो थियोरी है वो मैं बताऊँगा और आपको एटलीस्ट आई एम ट्राइंग कि जैन मंथ तक सारा कंप्लीट कर दूँ, तो एटलीस्ट हम 1500 क्वेश्चन तक तो सॉल्व कर लेंगे और 1500 क्वेश्चन की थ्योरी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। ये मान लीजिए कि ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनिक हम रिवाइज कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। जैसे कि आप देख सकते हैं अल्काइल हैलाइड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा, और अल्काइल हैलाइड में हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हमारा। आप लोग यहीं पर पहले क्वेश्चन पॉज करके सॉल्व किया कीजिए, और नहीं अगर आपको आता है तो फिर उसको वापस से प्ले करके उसका सोल्यूशन देखा कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 1 है वो क्या बोलता है कि हीटिंग 2-chloro-1-phenyl-butane विथ ETOH इन प्रेजेंस ऑफ ETOH गिव्स X एज अ मेजर प्रोडक्ट। अब उस X की रिएक्शन करवा दो आप HgOHCO2 वाटर के साथ फॉलोड बाय NaBH4, आपको एक कंपाउंड Y मिलेगा। बताओ कि प्रोडक्ट क्या है। बहुत सिंपल है, देखिए पहले तो आप बनाइए इसका कंपाउंड को 2-chloro-1-phenyl-butane। ठीक, 2-chloro-1-phenyl-butane तो आप इस तरीके से बना लेंगे इस कंपाउंड को। ये बन गया देखो बेटा 1, 2, 3, 4, तो ये 2-chloro-1-phenyl-butane बन गया। अब ये ETOK और ETOH का मतलब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं बेटा क्या, अल्कोहलिक KOH। ठीक है, तो इसमें इथेनॉलिक KOH है, मतलब हमको देखो यहाँ पे ETO नेगेटिव और K पॉजिटिव मिलेगा, और जो हमारा ETO नेगेटिव है ये बेस का काम करता है। ठीक है, अब ये बेस क्या करेगा बेटा, बेस यहाँ से ये एसिडिक हाइड्रोजन को पिक करेगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेंगे यहाँ से Cl बाहर, और देखिए ओवरऑल मैं आपको बताता हूँ प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, ये जो Cl और H निकल जाएगा यहाँ पे आ जाएगा बेटा डबल बॉन्ड, है ना। अब यहाँ पे हमको करना क्या है, HgOHCO2 फॉलोड बाय वाटर और साथ में NaBH4। देखिए क्या होगा, पहले Hg+2 आयन आएगा, Hg+2 आयन आगे क्या करेगा, Hg+2 आयन आएगा इस तरीके से 1, 2, 3, 4, और Hg+2 आयन आके इस तरीके से यहाँ पे क्या बना देगा, एक नॉन क्लासिकल कार्बोक्टाइन बना देगा। ठीक है, इस तरीके से अब क्या होगा, वाटर का अटैक होगा, वाटर का अटैक होगा यहाँ पे इस वाले कार्बन पे, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल है, तो वाटर का अटैक होगा इस तरीके से, यहाँ पे अटैक इस पे करेगा वो, यहाँ से Hg खुल जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ आपके लिए, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर। अब क्या होगा, जहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल था, मतलब यहाँ पे लग चुका है वाटर का OH और इस कार्बन पे है Hg। ठीक है, इस तरीके से, और फिर क्या होगा, सेकेंड में रिएक्शन करवा रहे हैं हम NaBH4 के साथ, इसको हम बोलते हैं बेटा क्या, हाँ ऑक्सीमर्क्यूरेशन करवा रहे हैं पहले, उसके बाद रिडक्शन फॉलोड बाय रिडक्शन NaBH4। NaBH4 हमको देता है H- तो H- Hg को क्या कर देगा, यहाँ से निकाल देगा, और Hg की जगह पे क्या लग जाएगा बेटा, Hg की जगह पे लग जाएगा हमारा H, और ये हमारा फाइनली कंपाउंड बन जाएगा। ये कंपाउंड देखिए क्या बेटा, ऑप्शन सी के अंदर, तो उसका करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं क्वेश्चन, कोई बड़ी चीज़ थी नहीं, बस आपको रिएजेंट का रूल पता होना चाहिए कि क्या क्या है। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू गिव प्रेसिपिटेट विद AgNO3 सोल्यूशन। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि प्रेसिपिटेट के लिए आपको क्या चाहिए बेटा, हाँ देखो AgNO3 प्रेसिपिटेट कब दे सकता है, जब Ag+ यहाँ से मिले हमको, और जो हमारा ये जो चारों कंपाउंड है इसमें से हमको Cl- मिले, तो जब Cl- इजिली निकलेगा तो Ag+Cl मिलके AgCl का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। अब हमको देखना है कि कौन से केस में Cl- आसान से निकल सकता है। ठीक, देखो यहाँ से अगर Cl- निकलता है तो यहाँ पे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर यहाँ से Cl- निकला तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ से Cl निकला तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, और इस यहाँ से Cl- निकला तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा। अब आप बताइए मुझे कि सबसे मोस्ट स्टेबल वाला कार्बोडाइन कौन सा बना है, ऑप्शन डी वाला, क्योंकि ये 3° कार्बोडाइन है। ये देखो यहाँ पे sp2 पे है तो ये अनस्टेबल, यहाँ पे 3-chlorine-I से अनस्टेबल बनाएंगे, यहाँ पे भी 3-chlorine-I से अनस्टेबल बनाएंगे, तो मोस्ट स्टेबल वाला कौन सा बेटा, मोस्ट स्टेबल वाला ऑप्शन डी वाला कार्बोडाइन है, इसलिए ये सबसे फास्ट और मोस्ट लाइकली टू गिव प्रेसिपिटेट विद AgNO3। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको बस देखना है कि कौन हमको Cl- जल्दी देगा, और Cl- कौन जल्दी देगा, जो जिसका जो कार्बोडाइन है वो क्या हो बेटा, मोस्ट स्टेबल हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द मेजर प्रोडक्ट वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज ETONA हीट दे रखा है, यहाँ पे देखो वापस से O- दे रखा है अपने को, हम सब जानते हैं दो ऑप्शन देखो बेटा, अगर ये यहाँ से H को उठाएगा और यहाँ से Cl गया तो डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है, या फिर इस ETO- ने अगर यहाँ से H हटाया और यहाँ से Cl गया तो डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है। अब देखिए क्या होता है, जो मोस्ट सब्सिट्यूटेड अल्किन होती है, मतलब कि अगर ये वाली अल्किन हमारी बने, कौन सी वाली बेटा, अब अगर हमारी ये वाली अल्किन बने तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मोस्ट सब्सिट्यूटेड अल्किन बोलते हैं हम इसको, है ना, और यही हमारी मेजर अल्किन होती
इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस ईटीओ नेगेटिव अल्कोहलिक केवच के केस में, जिसको हम मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन को हम सर्जर प्रोडक्ट भी कहते हैं। या फिर क्या हो सकता है हमारा कि यहाँ से सीएल जाए और यहाँ से एच जाए और डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाए। जिसके पास कम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, इसको हम बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट, जो कि माइनर प्रोडक्ट होता है। आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है तो देखिए क्या होगा। पहले हमारा इस तरीके से यहाँ से सीएल जाएगा और ये जो हमारा बेस है यहाँ से ये एच को पिक करेगा इस तरीके से। देखो ये यहाँ पे गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, यहाँ से सीएल बाहर। देखो ये इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ये बन गया। ठीक, अब इसमें हम HBr का एडिशन करें, परऑक्साइड नहीं दे रखा है, मतलब कि मार्कोनिक ऑफ रूल के हिसाब से एडिशन करना है। तो एच यहाँ लग जाएगा और Br यहाँ लग जाएगा, है ना। और आप सिंपली क्या कर सकते हो, इस तरीके से ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। और देखिए आप ये प्रोडक्ट कहाँ पे दे रखा है, ये ऑप्शन आपको दे रखा है ऑप्शन बी के अंदर, और ये करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी। सिंपल है, बस आपको ध्यान रखना है क्या, सिंपल चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे आपको मोस्ट सब्स्टिट्यूट अल्कीन मिलती है, इसके बाद नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं। HBr का एडिशन कराना है और नॉर्मल है तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन, और परऑक्साइड दे रखा है या फिर बेंजोइल परऑक्साइड एक रेडिकल इनिशिएटर दे रखा है, तो आप करवाते हो एंटी मार्कोनिक ऑफ अकॉर्डिंग प्रोडक्ट। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो मेजर प्रोडक्ट बताना है आपको, बहुत सिंपल चीज़ है। अब देखिए बेटा यहाँ पे ये जो कार्बन है ना बेटा, अब ये जो कार्बन है ये कैसा है बेटा, आप लोग मुझे बताइए। ये है 2° कार्बन, और यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल हमने इस्तेमाल किया, क्या इस्तेमाल किया है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। क्योंकि देखो नेकेड न्यूक्लियोफाइल नहीं, नेकेड न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है और 2° का केस है, मतलब रिएक्शन होगी हमारी SN1, है ना। और SN1 के केस में क्या होता है कि पहले यहाँ से Br भाग जाएगा और इस तरीके से क्या होगा, हमको लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, यहाँ पे कार्बोटाइन बन जाएगा। ठीक, अब अगर कार्बोटाइन बना है तो वो रीअरेंज भी होगा, फिर यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होगा इस तरीके से, और हमको मोस्ट स्टेबल कार्बोटाइन मिलेगा 3° का। ठीक, फिर इसके ऊपर अटैक करेगा हमारा न्यूक्लियोफाइल जो है CH3OH। देखो इसके लोन पर अटैक करेंगे यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे चिपक जाएगा OCH3। अब देखो ये प्रोडक्ट हमारा बन गया, और ये ऑप्शन कहाँ है बेटा, ये ऑप्शन सी है हमारा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस भी नहीं है। बस आपको आइडेंटिफाई करना था कि SN1 है कि SN2 है, ये वाला पर्टिकुलर रिएक्शन हमारी कौन सी थी बेटा, दिस वॉज SN1 रिएक्शन, बिकॉज कार्बोटाइन बनेगा वहाँ पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि SN1 के लिए पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बताइए। अब देखिए क्या होता है कि जो SN1 रिएक्शन होती है, सब जानते हैं टू स्टेप की रिएक्शन होती है, और और यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनता है जो क्या होता है बड़ा कार्बोकैटायन होता है। ठीक है, अब जो इंटरमीडिएट होता है उसके एक ज़्यादा, मतलब अगर एक इंटरमीडिएट बनता है तो उसकी दो ट्रांजिशन स्टेट बनती हैं। और ट्रांजिशन स्टेट क्या होती हैं, ये जो पीक होता है ना इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, और जो लोअर इन एनर्जी होता है उसको हम बोलते हैं बड़ा क्या, इंटरमीडिएट। तो बस आपको देखना है कि यहाँ पे ऐसा कहाँ है। तो देखो यहाँ पे सिर्फ एक ट्रांजिशन स्टेट है तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। देखो यहाँ पे भी दो हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट है और एक इंटरमीडिएट, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो ट्रांजिशन स्टेट और एक इंटरमीडिएट। अब आपको ये देखना है कि एनर्जी कैसे क्या क्या है। ठीक है, अब आप देखिए क्या है कि आप पहले SN1 के अगर डायग्राम की बात करें तो क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होता है दैट इज़ रिलेटिवली मोस्ट स्टेबल एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, तो सारे के केस में देखो प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो तीनों ऑप्शन हो सकते हैं। बट थोड़ा सा डायग्राम में क्लियर करता हूँ सारे, और अब डिस्कस करते हैं हम लोग कि क्या हो सकता है हमारा। 3 वाला तो ऑप्शन तो गया तेल लेने। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो कार्बोकैटायन है वो ज़्यादा स्टेबल एज कम्पेयर टू ट्रांजिशन स्टेट, तो वो ऑब्वियसली बात है नीचे होना चाहिए, वो तीनों में नीचे है। बट यहाँ देखिए यहाँ पे क्या, दोनों ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी सेम है जो कि पॉसिबल नहीं इस केस में, तो ऑप्शन सी ऑप्शन डी तो गलत, ऑप्शन ए हो सकता है या फिर ऑप्शन बी हो सकता है। अब आप एक चीज़ नोट करेंगे कि यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस कुछ ज़्यादा ही दे रखा है इन्होंने। ठीक है, इतना भी डिफरेंस नहीं होता। अब आपको सिंपली याद रखना है कि क्या एनर्जी हमारा इस तरीके से होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है रिएक्शन, ये हमारा पहले ट्रांजिशन स्टेट बनता है, कार्बोकैटायन बन गया, और उसकी सेकेंड वाली की एनर्जी थोड़ी सी रिलेटिवली ज़्यादा होती है ट्रांजिशन स्टेट की जब हाइड्रोजन निकल रहा होता है। यहाँ पे देखिए डिफरेंस बहुत ज़्यादा दे रखा है। ठीक है, तो ये जो कम डिफरेंस वाला है यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑप्शन ए भी सही है, बट सिंस हमको मोस्ट करेक्ट चूज़ करना है तो वो ऑप्शन बी है हमारा। ठीक, द मेजर प्रोडक्ट आपको बताना है। देखिए बेटा ये कार्बन कौन सा बेटा, ये कार्बन अगर आप अच्छे से देखें तो एक कायरल कार्बन है। ठीक, कायरल कार्बन पर रिएक्शन करा दें NaOH की। ठीक, और आप देख सकते हैं कि ये कौन सी रिएक्शन होने वाली है बेटा, वेरी गुड, ये कार्बन हमारा 3° का कार्बन है, 3° का कार्बन है, साथ में हम क्या रिएक्शन करवा रहे हैं बेटा, NaOH के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप NaOH के साथ रिएक्शन करवाएं तो आप एक जान लीजिए कि ये Na+ और OET नेगेटिव के फॉर्म में डिसोसिएट होगा। टेम्परेचर दे रखा है, साथ में स्ट्रॉन्ग बेस है, तो मतलब ये रिएक्शन कौन सी बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन है। टेम्परेचर दिखते ही समझ जाओ कि एलिमिनेशन रिएक्शन है।
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो नहीं है, तो एलिमिनेशन में क्या होगा, या तो यहाँ से एच चले जाए, या तो यहाँ का एच चले जाए, या तो फिर इन दोनों का ही एच चले जा सकता है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ से एच गए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, अगर यहाँ वाला एच गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। और हमको कौन सा वाला बनाना है बेटा, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनानी है, तो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कौन सी होगी, यहाँ वाली, क्योंकि इसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो यहाँ से एच जाएगा, यहाँ से सी एल जाएगा, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ है बेटा, ऑप्शन बी के अंदर, ठीक। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बेस है हमारे पास और हीट दे रखी है, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन है ना कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 7, एच बी आर एक्सेस में डाल रखा है और पूछ रहा है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब अगर एच बी आर एक्सेस में डाल रखा है आपने और आपको प्रोडक्ट बताना है, तो बहुत सिंपल है। देखो एच बी आर पहले क्या होगा, पहले एक एच यहाँ लगेगा, कार्बोकोटाइन यहाँ लगेगा और बी आर नेगेटिव यहाँ पैक अटैक करेगा, मतलब यहाँ पे बी आर लग जाएगा, ये तो समझ में आ गया। बट एक्सेस में दे रखा है इसका मतलब क्या है कि ये जो ईथर वाला ग्रुप है ये भी इससे रिएक्ट करेगा, और वो कैसे रिएक्शन होगी देखिए बेटा, इस तरीके से हमारे पास ये हमारी रिंग है पूरी, ये पूरा पूरा प्रोडक्ट है हमारा ईथर वाला, ये आप लोग समझ लीजिएगा यहाँ पर जो भी है। पहले एच बी आर इसको प्रोटोनेट करेगा इस तरीके से, फिर जो बी आर नेगेटिव है वो आके क्या करेगा, यहाँ पर अटैक मारेगा और ये बॉन्ड ऐसे खुलेगा। अब बात आती है कि बी आर नेगेटिव ने अटैक यहाँ पर क्यों नहीं किया, ये इसलिए नहीं किया बिकॉज यहाँ पे क्या होता है बेटा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, ठीक। तो ये वाला बॉन्ड तोड़ना डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू दिस, इसलिए बॉन्ड टूट जाता है, ये सी एच थ्री बी आर बन जाएगा और ये ओ एच के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऐसा होगा, यहाँ पे ये ओ एच बन गया ओ एच, और यहाँ पे बी आर लग गया हमारा बी आर, और यहाँ पे लग गया एच, और ये हमारा प्रोडक्ट होगा फाइनल वाला। तो देखिए 7 का हम देखते हैं कहाँ पे ये ऐसा कहीं दे रखा है, क्या ऐसा दे रखा है इन्होंने ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी हमारा क्या बड़ा करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, बहुत सिंपल है। अगर आपको याद हो अल्कोहलिक के ओ एच फॉलोड बाय एन ए एन एच टू, ये सब, और दो हमारे पास विसिनल डायहैलाइड है, क्या होगा बेटा, देखो पहले अल्कोहलिक के ओ एच, यहाँ पे हमको आर ओ नेगेटिव मिलेगा, आर ओ नेगेटिव यहाँ से एक एच प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेंगे, बी आर भग गया और ये ऐसा बन जाएगा, ये हमारा ऐसे ये बन जाएगा हमारा एक प्रोडक्ट, ठीक। फिर क्या होगा, यहाँ के एच को एन ए एन एच टू, देखो एन एच टू नेगेटिव बहुत स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ से एच को उठाएगा, है ना, सॉरी एक मिनट, यहाँ इस वाले एच को नहीं उठाएगा, वो इसके अल्फा वाले को उठाएगा, ठीक है, इसको उठाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, यहाँ से ये भग गया, मतलब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक। अब ये ट्रिपल बॉन्ड देखो कहाँ पे, ऑप्शन डी के अंदर, तो 8 का करेक्ट आंसर इज डी, सिंपल है। ये सेम रिएक्शन एनसीईआरटी की उठा के दे दी इन्होंने और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो आप लोग बेसिक्स पे भी टिके रहोगे ना, तब भी आप बेटा 80-90% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। हम क्या होता है, हम लोग हमेशा हार्ड हार्ड क्वेश्चन के लिए जाते हैं, हम लोग सिंपल क्वेश्चन भी नहीं करके आते हैं, ये बहुत गलत बात है, ठीक है। अब देखिए Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ ये दे रखा है, आपको क्या करना है, पहले तो रिएक्शन करवाओ, रिएक्शन बड़ी आसानी से हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। पहले आप देखिए क्या करवाएंगे आप, Cl2 CCl4, तो आप क्या कर दोगे, देखो नॉन पोलर सॉल्वेंट है और क्लोरीन का एडिशन करना है डबल बॉन्ड के अक्रॉस, तो सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी एक क्लोरीन लग जाएगा और यहाँ पे भी एक क्लोरीन लग जाएगा। अब AlCl3 एनहाइड्रस दे रखा है, तो हम क्या करेंगे बेटा, AlCl3 अब यहाँ पे फिडल क्राफ्ट रिएक्शन देगा, और देखिए किस तरीके से रिएक्शन होगी हमारी, देखो यहाँ पे ये हमारे यहाँ पे OCH3 लगा पड़ा है, यहाँ पे ये इस तरीके से यहाँ पे Cl है और यहाँ पे एक Cl है। अब AlCl3 बिंग लुईस एसिड क्या करेगा, लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, और लोन पेयर एक्सेप्ट करके यहाँ पे Cl पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अनस्टेबल हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे कार्बोकटाइन बना देगा, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको पूरी कहानी सुना दी, अब जितनी कहानी की जरूरत है उतने देखते हैं। अब कार्बोटाइन बन चुका है, अब देखिए बेटा ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब ये कार्बोटाइन अब कहाँ हो सकता है, या तो अटैक ऑर्थो पे हो सकता है, या तो फिर आपके पैरा पे अटैक हो सकता है ना। तब क्या होगा, ये पैरा वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करेंगे, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 छः मेंबर की क्या बन जाएगी बेटा, एक रिंग बन जाएगी, 6 मेंबर की इस तरीके से रिंग बन जाएगी। और जो जिस कार्बोटाइन ने यहाँ पे ये अटैक किया था, बीच वाले में गोला हटाना पड़ेगा हमको, ये वहाँ पे गोला नहीं है, नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन की रिंग है, इसके यहाँ पे Cl लगा दूँ, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट होगा सिंपल सा। और ये कहाँ है बेटा, ये आपके ये ऑप्शन आपका देखो कहाँ है, 9th का ऑप्शन है, कौन सा लग रहा आपको, ऑप्शन सी, सिंपल था ना। अब बात आती है कि सर आपने यही कार्बन को क्यों अटैक करवाया, इसलिए करवाया बिकॉज देखो बेटा ये क्या है, इसके ऑर्थो नहीं पैरा है, देखो इस पोजीशन के क्या है, पैरा पे, और ये प्लस एम का ग्रुप है, तो क्या होता है, या तो ऑर्थो या फिर पैरा पे रिएक्शन होती है, ठीक। तो आप इस तरीके से कराएंगे। अब आप पूछ सकते थे कि सर यहाँ पे भी तो बना सकता था रिंग, बट अगर आप यहाँ पे रिंग बना दोगे 6 मेंबर की इस वाले कार्बन से लेके, तो स्टेरिक फैक्टर की वजह से क्या होगा बेटा, रिपल्शन बढ़ जाएंगे। इसलिए हमने क्या किया कि जो इसलिए हमने क्या करा दैट जो इसका पैरा पोजीशन थी वहाँ से रिएक्शन करवाई, ताकि क्या हो, लेस हिंडर्ड प्रोडक्ट बने, मोस्ट स्टेबल भी बन जाए, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10, विच हाइड्रोजन इज इजिली रिप्लेसेबल ड्यूरिंग ब्रोमिनेशन इन द रिएक्शन प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब देखो क्या होता है कि ब्रोमिनेशन लाइट के प्रेजेंस में करवा रहे हैं तो क्या होता है, आपको पता है ये रिएक्शन कौन सी होती है बेटा, ये रेडिकल रिएक्शन होती है। तो जहाँ पे भी है देखो, अगर यहाँ से एच निकलेगा तो यहाँ पे कार्बन रेडिकल बनेगा, यहाँ से एच निकलेगा तो यहाँ पे कार्बन रेडिकल, यहाँ पे भी रेडिकल, यहाँ पे भी रेडिकल। तो जो रेडिकल इन चारों में सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो सबसे ईजिली निकल जाएगा, है ना, और जल्दी ईजिली रिप्लेसेबल होगा। और सबसे स्टेबल रेडिकल कौन सा बेटा, ये वाला। क्यों? बिकॉज ये जो रेडिकल है ये डबल बॉन्ड के साथ क्या कर सकता है बेटा, रेजोनेंस कर सकता है, ठीक है। इसलिए जो आपका अल्फा बीटा गामा, गामा वाला है ये सबसे फास्ट है, तो गामा हाइड्रोजन 10th का सी, ठीक है। क्यों? बिकॉज सबसे ज़्यादा स्टेबल। देखो बेटा अगर इस पोजीशन पे एच जल्दी निकलेगा ऐसे टूट के तो यहाँ रेडिकल बनेगा और रेडिकल रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इस वजह से रेडिकल सबसे फास्ट नहीं बनेगा। और सबसे फास्ट मतलब इसका हाइड्रोजन सबसे ईजिली रिप्लेसेबल है एज कम्पेयर टू अदर। हम सब जानते हैं कि एलाइलिक पोजीशन को क्या बोलते हैं, एलाइलिक पोजीशन, और एलाइलिक पोजीशन पर ब्रोमिनेशन भी क्या होता है बड़ा फास्ट होता है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द मेजर प्रोडक्ट बताना है आपको, अल्कोहलिक केवेज एक्सेस में दे रखा है, कुछ नहीं है, अल्कोहलिक केवेज एक्सेस में दे रखा है, आराम से रिएक्शन करेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे एच है, यहाँ पे बी आर है, यहाँ पे भी एच है, बी आर है, यहाँ पे भी एच है, बी आर है। अब आपको बताना है कि इसमें किस तरीके से रिएक्शन आपकी होगी। अब देखो अल्कोहलिक केवेज क्या देता है हमको, आर ओ नेगेटिव देता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस। तो आर ओ नेगेटिव यहाँ से एच को उठाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, बी आर बग गया। तो ये देखो इस तरीके से क्या होगा बेटा, इस तरीके से एक डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और ये बी आर यहाँ से चले जाएगा, ठीक। अब बात आती है कि एक्सेस में मतलब ये बी आर भी निकलना है, तो ये बी आर निकलेगा तो सही, बट क्या ये हाइड्रोजन निकलेगा या फिर ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, कौन सा निकलेगा बेटा? वेरी गुड बेटा, ये वाला निकलेगा। अब ये वाला क्यों निकाल दिया आपने, अगर आपने ये वाला निकाल दिया तो आप एक नंबर के मूर्ख इंसान हो। मूर्ख क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको, मैं अभी बताता हूँ। देखो क्या होगा, अगर आपने इस तरीके से क्या करा, आप इसने इस तरीके से अगर इस बी आर को, अगर आपने इस बी आर और इस एच को निकाल दिया है ना, इस बी आर और इस एच को निकाल दो, डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा। बट एक चीज़ देखो, ये जो डबल बॉन्ड है, ये वाला डबल बॉन्ड, इसके बाद अल्फा हाइड्रोजन तो ज़्यादा है, बट ये डबल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस नहीं कर सकता। हमेशा याद रखेंगे जब भी दो डबल बॉन्ड बन रहे होते हैं तो हमेशा हम क्या ट्राई करते हैं कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम बने, कॉन्जुगेटेड मतलब इस तरीके से वो आपस में क्या कर सके, रेजोनेंस। बिकॉज जो कॉन्जुगेटेड डाइईन होते हैं, जो डबल बॉन्ड होते हैं, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसलिए देखो कौन सा क्या निकलेगा बेटा, इसलिए हमारा जो मैं बताता हूँ आपको, एक एच यहाँ का निकलेगा, एक बी आर यहाँ का निकलेगा, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, और एक एच यहाँ का निकलेगा और बी आर यहाँ का निकलेगा और डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, और ये हमारा प्रोडक्ट होंगे। और ये जो डबल बॉन्ड है इनका कॉन्फिग्रेशन ऐसा रहेगा ट्रांस के फॉर्म में कि ये मोस्ट स्टेबल रहेंगे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर 11th का डी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्या बोल रहे हैं, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, बहुत सिंपल है। देखिए क्या दे रखा है आपको, AlCl3 दे रखा है नाइट्रस। क्या करेंगे पहले आप, AlCl3 देखो सिंपल ट्रिक होती है, जहाँ पर भी Cl है उसको हटा दो और उस कार्बन पे क्या बना दो, कार्बोकैटायन। अब सिंस कार्बोकैटायन बना है तो क्या हो सकता है बेटा, कार्बोकैटायन रीअरेंज भी होगा, है ना, क्योंकि कार्बोकैटायन रीअरेंज नहीं कराओगे तो तब तक तो मज़ा आएगा ही नहीं आपको, तो कार्बोकैटायन रीअरेंज भी करवाना है आपको, ठीक है। तो कार्बोकैटायन रीअरेंज करके क्या होगा बेटा, ये देखो यहाँ पे हाइड्राइड है, हाइड्राइड शिफ्ट होगा और 1 डिग्री से ये 2 डिग्री का 3 डिग्री कार्बन बन जाएगा इस तरीके से। तो देखो ये हमारा ये है, यहाँ पे ये OCH3 लगा हुआ है, यहाँ पे ये इस तरीके से है, है ना, कार्बोकैटायन यहाँ पे आ गया, सिंपल। अब देखो वापस से देखो OCH3 ऑर्थो पैरा रेटिंग होता है तो उसकी पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अटैक करेगी यहाँ पे और 1, 2, 3, 4 और 5 कार्बन की रिंग बन जाएगी सिंपल सी, है ना। तो 5 कार्बन की पहले आप इस तरीके से क्या कर दो, रिंग बना दो 5 कार्बन की, ठीक। और देखो जो कार्बन अटैच हो रहा है वो कार्बन क्या बेटा, 3 डिग्री कार्बन है, तो उसको 3 डिग्री भी बना दो मिथाइल लगा के, और ये बन गया आपका क्या बेटा, प्रोडक्ट, सिंपल सा, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शन करते हैं, ये कहाँ बेटा, देखो ये ऑप्शन आपका डी, 12 का डी, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमको क्या बोल रहा है, मेजर प्रोडक्ट बताना है, NaOMe इन प्रेजेंस ऑफ MeOH आपको बताना है मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब देखो बहुत सिंपल चीज़ है, NaOMe मतलब हमारे पास यहाँ पे MeO नेगेटिव, मतलब एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या तो हमको दे सकता है SN2 रिएक्शन या तो ये हमको देता है बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन। हम डिसाइड कैसे करें कि यहाँ पे एलिमिनेशन होगा या फिर हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप देखिए ये स्ट्रॉन्ग दे रखा है, स्ट्रॉन्ग है और ये 2 डिग्री का कार्बन है,
और MeOH दे रखा है, मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दे रखा है, ठीक है। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, तो हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन करवाएंगे। सिंपली क्या हुआ, देखो बेटा इसके यहाँ पे अल्फा पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, देखो ये जो अल्फा वाली पोजीशन है ना, ये वाली अल्फा Br की, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं, तो बेस हमारा जो MeO नेगेटिव है यहाँ से तो हाइड्रोजन पिक नहीं कर सकता, बट यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पिक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यहाँ से बग गया और इस तरीके से क्या होगा बेटा, हमारा डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल है। और इसका आंसर इज बी, सिंपल। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, 13 का बी हो गया। अब एक चीज़ हमेशा आप याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि ये जो एलिमिनेशन होता है, ये एलिमिनेशन एंटी एलिमिनेशन होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो एच है, अगर ये देखो ये वेज बॉन्ड है, तो ये एच हमेशा कहाँ से आएगा, डैश वाले बॉन्ड से जाएगा, ठीक है। ये एंटी एलिमिनेशन होता है यहाँ पे, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अब आप क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है दैट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड फॉर SN1 रिएक्शन इज। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी फॉलोइंग हैलाइड की बतानी है SN1 के लिए। SN1 में हम सब जानते हैं कि SN1 में बनता है कार्बोकैटायन, तो जो कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा। देखो यहाँ पर कार्बोकैटायन यहाँ पर बनेगा 2 डिग्री, यहाँ पर 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, और यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा जो कि रिंग के साथ, बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज और OCH3 इसको प्लसम से स्टेबलाइज करें, मतलब थर्ड वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है, तो थर्ड सबसे आगे देखो ये रहा ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आ गया, सिंपल। देखा आप लोगों को थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे, क्वेश्चन झटके से सॉल्व होते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉन ट्रीटमेंट विद टर्शियरी ब्रोक्साइड फॉलोड बाय एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर फेज टू डीकलराइज द कलर ऑफ ब्रोमीन। अब देखो बेटा, अब ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कौन करता है बेटा, ब्रोमीन वाटर को जो डीकलराइज करता है वो होता है डबल बॉन्ड, मतलब कि जिस कंपाउंड के पास डबल बॉन्ड होते हैं वो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देते हैं, मतलब कि जो डीकलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन वाटर टेस्ट है वो इज़ द टेस्ट फॉर द अनसैचुरेशन, ठीक। अब देखते हैं पहले रिएक्शन करके कि ये कहना क्या चाहता है हमसे। पहले हमको क्या करना है कि पहले हम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन के साथ फॉलोड बाय एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर फेज टू डीकलराइज द ब्रोमीन। अब ऐसा क्यों, क्या है, अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब ठीक है बेटा, तो ध्यान देते हैं, देखो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन जो होता है, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन ये क्या करता है, ये सपोज आपको मैं इस तरीके से स्ट्रक्चर समझाता हूँ, यहाँ पे सपोज Br लगा हुआ है, तो क्या करता है टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्किन बनाता है, यहाँ से हाइड्रोजन पिक करता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बगते हैं इस तरीके से, और क्या बनता है, ये डबल बॉन्ड बन जाता है। बट इसके लिए ज़रूरी क्या है कि अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन होना चाहिए। अब देखो इस Br के यहाँ पर अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन है, मतलब डबल बॉन्ड भी बन जाएगा, और डबल बॉन्ड बन जाएगा तो ये ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देगा। देखो यहाँ पे भी अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बन जाएगा, और डबल बॉन्ड बन गया मतलब ये भी ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देगा। देखो इस कार्बन का अल्फा, यहाँ पे भी अल्फा पे पोजीशन पर हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये भी ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देगा। बट इस कार्बन जहाँ पे Br अटैच है, इसके पास ना अल्फा कार्बन भी नहीं है और अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, और डबल बॉन्ड नहीं बनेगा तो ब्रोमीन वाटर को भी डीकलराइज नहीं कर पाएगा, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस करते हैं, अभी मेरी क्लास है, मुझे जाना पड़ेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेटा एक काम करते हैं हम लोग, विद इन 2 लेक्चर्स, आने वाले 2 लेक्चर में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, और फिर उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच जी केमिस्ट्री।